हेलो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे बच्चे सही तरीके से बोलना नहीं सीख पाते हैं और जब भी वो किसी के सामने बोलते हैं तो वो काफी ज्यादा हिचकिचाते हैं और कई बार यही शर्म उनकी हकलाहट का कारण भी बन जाती है। इसीलिए अगर आपके बच्चे भी हकलाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो से। अगर आपका बच्चा हकलाता है या फिर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा हकला सकता है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चा आखिर कब हकलाता है। जी हाँ, कई बच्चे डर के वक्त हकलाते हैं। जब उन्हें अंधेरे से डर लगता है या फिर किसी और चीज से डर लगता है तो वो हकलाना शुरू कर देते हैं। कई बच्चों का सिस्टम थोड़ा अलग होता है, वो हंसते वक्त हकलाते हैं तो कई बच्चे रोते समय हकलाते हैं। लेकिन इन सब बातों से अलग कई बच्चे रेगुलरली हकलाते हैं, उन्हें बोलने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसा माना जाता है और एक शोध से बात सामने आई है कि जन्म के बाद तकरीबन 4% यानी कि 4% बच्चे हकलाना शुरू कर देते हैं अगर उन पे हम समय से निगरानी ना करें तो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है तो आपको उसकी दवा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हकलाहट को ठीक करने के लिए कोई भी दवा देना बच्चे के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हकलाहट कोई बीमारी नहीं होती है, केवल प्रैक्टिस की थोड़ी जरूरत होती है। आप अपने बच्चों को बहुत सारी स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, स्कूल के अंदर बोलने का मौका दे सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होकर बच्चे को एक पेज थमा दीजिए जिसके ऊपर बहुत सारी लाइनें लिखी हों और जिसे उसे बिना रुके भी पढ़ना है। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर हकलाने की आदत छूट जाएगी। अगर आपका बच्चे बहुत ज्यादा हकलाते हैं तो आपको केवल उनकी निगरानी करने की या मदद करने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उनकी और हेल्प करने की भी जरूरत है। अगर आपका बच्चा हकलाता है तो आप उसका मजाक बिल्कुल भी ना उड़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों के मन पे और उनके आत्मविश्वास पे काफी ज्यादा ठेस पहुंचती है। बच्चों का मन काफी ज्यादा नाजुक होता है, इसीलिए उन्हें ठीक तरीके से हैंडल करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। इसीलिए अगर आपके बच्चे हकलाते हैं तो उनका मनोबल बढ़ाइए, और अगर वो बोलते बोलते कोई गलती कर भी देते हैं तो हंसने की बजाय उन्हें समझाने पर ज्यादा जोर डालिए, क्योंकि ऐसा करने से ही बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और वो धीरे धीरे अपनी इस आदत को छोड़ पाएंगे। So, दोस्तों, अगर आपके बच्चे भी हकलाते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बहुत सी वीडियोस दी हैं जो बच्चों की हकलाहट को दूर कर सकती हैं। आप दोनों वीडियोस को देख सकते हैं और अपने बच्चों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।